तो वीडियो किदा दी बनी है? बहुत एंड बनी है। चल गुरुद्वारे चलिए। गुरु घर चोरी करना तेन रब का कोई डर नहीं आया? चल तेन किताबा चढ़वा। की गल भाई, क्यों चोरी कर रहा सी? की कारण बन गया? बाबा जी मेनू पैसों की लोड़ सी, इस मेरी माता जी बीमार हैं, इस करके मैं पैसे चक रहा सी। बाबा जी इन्हां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोई डर नहीं, ये पैसे कदों चक रहे सी? गुरु ग्रंथ साहब महाराज का डर इन्हों कल्ले नू नहीं, तुहानू भी नहीं हैगा, इन्हां नू भी नहीं हैगा गुरु ग्रंथ साहब का डर, इन्हां नू भी नहीं हैगा जिहड़े तमाशा देखण आए ना, किसी नू भी गुरु ग्रंथ साहब का डर नहीं। ये कल्ला चोर नहीं आ, तुसी सारे चोर हो। ओह किदां जी? तुहानू दसदा मैं किदां, तुसी आओ बैठो। कोई बंदा चोरी करता वो कोई मजबूरी होंगी, कोई कारण होंगे, पर आप सारे गुरु नानक घर के चोर हाँ। तुहानू बैठ के दस दे भी तुसी केड़ी चोरी की है, तो इन्हें केड़ी चोरी की। आओ जरा नाल। देखो ये कल्ला चोर नहीं है, तुसी भी चोर हो। वो इस तरह कल मैं देखिया तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच महाराज वाल पैर करके पए सी कि नहीं पए सी? इहदा मतलब तुहाडे अंदर भी गुरु ग्रंथ साहब का कोई डर नहीं, इहदे अंदर डर नहीं, इन्हें चोरी कर ली, जिहड़ा तुहाडे अंदर डर नहीं तुसी भी गुरु वाल पैर कर ली। कल मैं तुहाडे वाल देखिया तुसी बाहर टिकटॉक ते गाने बना रहे सी, इदां इशारे कर करके नच रहे सी सामने गुरु ग्रंथ साहब, तो तुसी ऐसे कार्य कर रहे सी। जे ये अंदर गुरु ग्रंथ साहब का कोई डर नहीं, तुहाडे अंदर भी कोई डर नहीं। कल मैं तुहानू देखिया तुसी उत्थे महाराज की हजूरी दे विच मोबाइल चला रहे सी। जे ये अंदर चोरी करदे आ गुरु ग्रंथ साहब का कोई डर नहीं, तुहाडे अंदर भी कोई डर नहीं? क्यों बाबा जी सही किया कि नहीं? हुण आपां इत्थे मैं एक छोटी जी बाबा जी साखी सुणाउणा आ। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का समां सी, कीरतपुर साहब की धरती है, एक चोर चोरी करन आया, जसवंत राय वैसे उहदा नाम दस्सिया, लंबे देश का। वह सोचता भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं किहड़ा किसी गल का पता लगना है। उन्हें अपने वालों की किया, गुरु साहब जी के सामने जाके चोरी करन की कोशिश की, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने उत्थे रागी संगा नूं किया भी शब्द उच्चारण करो। शब्द उच्चारण की किया, चोर की हामा भरे ना कोई, चोर की आ चंगा क्यों होए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने कहा रागी सिंघां नूं भी शब्द पढ़ो। महाराज जी किहड़ा शब्द पढ़ीए? उधर जसवंत राय दे मन विच ये चल रही सी गल कि ये 5 साल का बच्चा, इहनूं किहड़ा किसी गल का पता है, कोई डर नहीं ना सी मन विच। महाराज ने मन की बुझ ली, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत, असीं पढ़दे हां असीं मनदे नहीं हां। असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं केवल एक जरिया बना दिता। जिहड़े अज प्रचार करन वाले उन्हां दी भी बड़ी वड्डी गलती आ, उह कहिंदे गुरु साडा ज्ञान आ ग्रंथ जरिया है। नहीं, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की, उह प्रतख रब,
प्रतख परमेश्वर। जे तुसी प्रतख परमेश्वर नहीं जानते इस करके तो बेअदबियां हो रही, जे बेअदबियां हो रही तो कहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं प्रतख रब जानते हो? कहिंदे इह तां ज़रिया ही है गुरु तो ज्ञान, पर नहीं गुरु ग्रंथ की मान्यो प्रगट गुराखी वो प्रतख रब है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने शब्द पढ़िया, मैं फिर बोल रहा चोर की हामा चोर की आ चंगा क्यों हो। जो इन शब्द पढ़िया तो उस वेले दो तीन लागे सिंह सी जां होर संगत सी उन्होंने हसन लागे भी चोर की चोरी फड़ी गई। महाराज ने फिर उत्थे कहा भाई ये तो फिर भी चंगा जिहड़ा करके कह रहा भी मैं चोरी की, कोई मजबूरी होगी, पर तुसी रोज़ चोरी करते हो। उस वेले भी तुहाडे वाली गल सी, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने कहा महाराज असी कि चोरी की, असी तो कभी गोलक तोड़ी नहीं, असी कभी किसी का बटुआ नहीं मारिया, किसी के पैसे नहीं चोरी किए। तो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहिंदे तुसी नितनेम करते हो? कहिंदे महाराज सवेर का कर लिया शाम का नहीं किया। कहिंदे जिहड़े नितनेम नहीं करते वह भी गुरु नानक दे घर दे चोर है। जिहड़े गुरु नूं गैर हाजर समझ के होर गुरु तो बेमुख होकर कार्य करते वह भी गुरु नानक दे घर दे चोर है। जिहड़े बाणी नहीं पढ़ते वह भी गुरु नानक दे घर दे, जिहड़े सेवा नहीं करते हत्थी सेवा नहीं करते, सेवा का सिद्धांत है, जिहड़े सेवा नहीं करते वह भी गुरु नानक दे घर दे। बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर निफल करनी, बिना सेवा तो साढ़े हथ पैर लख लानत है। सो ये गल सुन के उस वेले गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी जी के चरणों के जसवंत राय भी ढह पिया, प्रण किया महाराज अज तो बाद चोरी नहीं करा। तो महाराज ने कहा भाई प्रण ये भी करो भी अज तो बाद नितनेम कदी नहीं छोगे, कभी भी नितनेम नहीं छोगे, दोनों वेले पाठ करोगे जाप करोगे हथा दे नाल गुरु नानक दे घर दी सेवा करोगे। इस करके कभी भी किसी के अंदरों दोष मिटाउणा आ उन्हें कुट के मार के नहीं मिटा सकते, उहदी मजबूरी जाणो उहदा कारण जाणो की पता कोई बंदा कितना क परेशान है। इस करके अज आपां इस वीडियो तो एक संदेश लिया, सारी संगत का धन्नवाद है। ये सारे बच्चों वालों एक उपराला किया जाता है, एक असी कंसैप्ट बनाया सी जिदे विच असी आप जी के सन्मुख ये लैके आए हाँ भी वह भी चोर ने जिहड़े गुरु नानक दे घर दे विच सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, बाणी नहीं पढ़ते। तो अज के टाइम विच वह भी चोर ने बहुत वड्डे, जिदा हरिमंदर साहब च आपां देखीदा आ टिकटॉक के उत्ते वीडियो बनाउंदे ने, सामने हरिमंदर साहब हुंदा पिछे गंदे गाने लाए हुंदे। सो ये एक आपां कंसैप्ट बनाया सी बच्चों का जिदे द्वारा इन्हां बच्चों ने तुहानूं सिक्ख्या दित्ती है भी गुरु नानक घर जाके तुसीं टिकटॉक वीडियो नहीं बनाउण जांदे, तुसीं गुरु नानक घर दे विच अपने मन नूं टिकाउण जांदे, अपने मन नूं टिकाउण जांदे। तुहाडा मन टिकिया नहीं होया गुरु नानक दी बाणी पढ़ के, तुहाडा खिंडिया होया मन जिहड़ा वो टिक जावे, तुहानूं शांति मिल जावे, पीस ऑफ माइंड मिल जावे। सो जे आप जी नूं ये उपराला चंगा लगे तो असीसां दिओ, संत बाबा सरूप सिंह जी महापुरशां की प्रेरणा सदका असी उपराला कर रहे हैं। सो बाबा हरिंदर सिंह जी दमदमी टकसाल तो जिन्ह ने अज साडे नाल ये वीडियो बनाई है, वह भी आप जी के सन्मुख एक बोल रखी। बहुत चंगा उपराला बच्चों का और भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी होर, मैं तकरीबन तीन चार वीडियो देखी जो मैं घर गया और बड़े सोहने तरीके दे नाल एक समाज को सोहना संदेश देने दी एक उपराला किया गया। अज का भी यह जिहड़ा उपराला मैं बहुत सोहना लग्या। सो भाई साहब होरां दा जिहड़ा यह उपराला बहुत सोहना बहुत शलाघा योग है। सो गुरु साहब अगे अरदास बेनती है कि पातशाह महाराज इस तरीके नाल होर मन च सोहने सोहने विचार बख्शिश करन, ताकि समाज भुलिया हुआ संसार जिहड़ा हैगा गुरु के चरणों नाल जुड़ जाए।